अनुवाद कराऊं? आप ट्रांसलेट करेंगी? श्री जनार्दन पुजारी जी, जो मेरे पिताजी के साथी थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पिताजी आपका नाम काफी लेते थे बातचीत में। डॉक्टर अजय कुमार जी, श्री हरीश कुमार जी, श्री मंजुनाथ भंडारी जी, श्री अभय चंद्र जैन जी, यहाँ के उम्मीदवार श्री मिथुन राय जी, श्री इनायत अली जी और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, और यहाँ के मेरे बहन, मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದ್ರಿಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೌಮ್ಯನು ದೈವ ಕಿ ಧರ್ತಿ ಹೈ, ಇದು ಒಂದು ದೈವದ ಭೂಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಊರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಿ ಹೈ ಮೂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಧರ್ಮದ ಊರು ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, जैन धर्म की भी पवित्र धरती पवित्र नगरी है, जैन धर्म का पवित्र भूमि ही मुड़बिद्री, कटिल दुर्गा परमेश्वरी जी, बप्पा नायडू परमेश्वरी का आशीर्वाद है आपकी धरती पर। बप्पा नायडू दुर्गा परमेश्वरी हागू कटिल दुर्गा परमेश्वरी आशीर्वाद है इदे ई भूमिय मेले, धार्मिक धरती है यहाँ का, एक बहुत पुराना, बहुत गहरा संदेश पूरे प्रदेश और पूरे देश में है। धर्मद ऊर आगिरुवंत ई ऊरिनिंद ओंदु तुंबा ओळ्ळेय संदेश इडी देशक्के हरडिदे। सबका सम्मान, प्रेम के साथ सबके साथ काम करना, आगे बढ़ना, और इसके साथ साथ जो सभी धर्मों का संदेश होता है, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಿ ಸತ್ಯ ಅಪನೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಔರ್ ಸತ್ಯ ಕಿ ಭಾವನಾ ಸೆ ಸೇವಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸತ್ಯದ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ये जो सेवा की और सत्य की भावना है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सबके दिल में, चाहे छोटा सा छोटा काम कर रहा हो कोई, चाहे घर में माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, चाहे किसान अपनी खेती करता है, तो वो भी एक तरह से सेवा करता है, और उस सेवा को अगर मेहनत से, ईमानदारी से करता है, तो ये बहुत एक अहम बात होती है, और यही आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता ने आपको सिखाया। ಈ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನ ರೈತರು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ಮಿಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Yes, we can, yes. Okay, ठीक है. देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप सब मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, और जिस हद तक आप कर सकते हैं, जितना भी आप काम करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, घर में काम हो, नौकरी हो, आपकी खेती हो, या आप मछुआरे हैं तो जो आपका काम है समुद्र में, जो आप काम करते हैं, ये सब चीजें अगर आप ईमानदारी और सत्य और सेवा की भावना से करें, तो ये सब देश के निर्माण में भागीदार होती हैं। तो जब देश बनता है, प्रदेश बनता है, तो आप ही उस प्रदेश, उस देश के निर्माता बनते हैं, और हर धर्म ने यही सिखाया है। इसीलिए जब हमारी सरकारें भी बनती हैं,
सरकार से उम्मीद या आशा क्या होती है? हमारी सरकार से यही उम्मीद होती है कि ईमानदारी से हमारे नेता काम करेंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, और उसी आधार पर फिर हम चाहते हैं कि जब चुनाव आए तो हम उन नेताओं को फिर से आगे बढ़ाएं। तो जब नेता हमारे सामने आते हैं बातचीत करने के लिए, खासतौर से चुनाव के समय, तो हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी कुछ काम की बात करेंगे। आज चुनाव का समय है, हर पार्टी के अलग अलग नेता आपके सामने आते हैं। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ आते वक्त इसी तरह का एक हैंगर लगा था और खाली जगह थी। शायद मैंने पूछा किसकी मीटिंग थी, तो कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आए थे यहाँ, तो उनकी भी मीटिंग हुई। तो आप सबसे उम्मीद यही रखते होंगे कि चुनाव के समय जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जीवन से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर नेता बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इन लोगों ने आपके लिए क्या किया और कौन सी योजनाएं बना रही है, भविष्य में आपके लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले हो सकता है, यहीं पर मैं भाषण देख रही थी कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ चुनाव के समय आकर वो आतंकवाद और सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि कर्नाटका में ये मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, शायद उनको कोई गलत फहमी है। मैंने सोचा कि क्या होता है कि जब सत्ता बहुत हो जाती है तो अक्सर जो अधिकारी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो सत्ता से डरते हैं, मतलब सच नहीं बताते आपको। तो हो सकता है कि जब इनका भाषण तैयार हो रहा था तो जो अधिकारी बैठे थे उनकी चर्चा हुई होगी कि हम भाई क्या बताएं मोदी जी को, कौन से मुद्दे में कर्नाटका जा रहे हैं, वहां पे कौन सी बातें करेंगे। तो किसी अधिकारी ने कहा होगा कि चलो रोजगार की बात करा देते हैं, लेकिन फिर दूसरे ने कहा होगा हम कहेंगे क्या, रोजगार तो बनाए नहीं हमारी सरकार ने 3.5 सालों से। फिर किसी और ने कहा होगा कि चलिए महंगाई की बात बता देते हैं, लेकिन महंगाई की क्या बात करेंगे, क्योंकि इनके समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। मेरी बहनें दुकान जाती हैं, दाल, सब्जी, आटा, डीजल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया है, खरीद ही नहीं पाती है कुछ भी। आधे टाइम तो घर वापस आ जाती होंगी आधी चीजें छोड़कर, तो महंगाई की क्या बात करें। तो इन अधिकारियों ने तय कर लिया होगा चलो यही मुद्दा दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ कर्नाटका में किसान आत्महत्या से, आपको मालूम है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहाँ आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहाँ 4 सालों में 6487 किसानों ने आत्महत्या की है। 4 सालों में गरीबी की वजह से 542 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज और घाटे की वजह से 3734 लोगों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी की वजह से 1675 लोगों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटक में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी। जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी दो बैल दे दो। इतना आतंक है, इतना आतंक है कि जब 8 करोड़ रुपए कैश किसी विधायक के बेटे के घर में मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको, बल्कि उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं। किसकी परेड? भ्रष्टाचार के आतंक की परेड। ये कहने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। यही आतंक है आज कर्नाटका में। यहीं पे आपकी अपनी स्थिति आप देखिए। यहाँ एक समय 4 बैंक होते थे अलग, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक और कनाडा बैंक। इन्हीं के आतंक से, इन्हीं सरकार की कुनीतियों की वजह से ये सारे मर्ज करने कल के लिए गए हैं और आज सिर्फ एक बैंक है आपके क्षेत्र में। नेहरू जी ने बेंगलुरु का हवाई अड्डा तब बनाया अपने समय में, इंदिरा जी ने नए बेंगलुरु का पोर्ट बनाया, न्यू बेंगलुरु पोर्ट। क्या हुआ? दोनों बेच दिए गए। किसको? और क्यों? क्यों? इस देश के सारे पोर्ट, इस देश के सारे एयरपोर्ट, इस देश की पूरी संपत्ति, इतने बड़े बड़े PSU जिससे आप सबको नौकरियां मिलती थी, आपको रोजगार मिलते थे, इसीलिए तो बनाए गए थे। ये सब एक या दो लोगों को क्यों बेचे जा रहे हैं? और अगर ये आतंक नहीं है तो क्या आतंक है कि सारे देश की संपत्ति, जो आपका पैसा है, जहां से आपको रोजगार मिलता है, वो अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिए, सब कुछ दे दिया। यहाँ आपके अपने पोर्ट दे दिए, अपना एयरपोर्ट दे दिया। और आपको सवाल उठाना चाहिए कि ये आतंक क्यों फैल रहा है इस तरह से। ये जो BJP का है, भ्रष्टाचार का आतंक, सोचिए और समझिए कि एक बहुत बुरी आदत डाल दी है आपने इनमें। और जब नेता की आदत बुरी हो जाती है ना, तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत नेताओं को जानती हूं मैं, छूटती नहीं है। एक बार ये लालच और सत्ता और लूट की आदत पड़ जाती है तो सारा ध्यान उसी पर जाता है कि कहां से मैं कितने पैसे बना पाऊंगा। ये नहीं आता दिमाग में कि कहां से, किस तरह से मैं विकास कर पाऊंगा। ये नहीं आता दिमाग में कि इनकी समस्या है किसानों की, किस तरह से सुलझाऊं, या महिलाओं को क्या क्या संकट है उनके जीवन में, कैसे सुलझाऊं। क्या होता है, खास तौर से जब नेता या एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी ये समझ जाती है कि चुनाव के समय हमें विकास, महंगाई, रोजगार, इन चीजों की बात करने की जरूरत नहीं है, हम धर्म की बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे जनता की जो भावनाएं हैं वो उभर जाए, जनता के जो जज्बात हैं वो उठें, तो जनता उसी जज्बाती मामलों में आकर हमें वोट दे देगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर से चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर हमें काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये आदत जो पड़ गई है इन लोगों की, ये आदत तोड़नी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, चुनाव होता क्या है, एक मौका होता है अपने भविष्य को बदलने का।
एक मौका होता है कि एक ऐसी सरकार आए, ऐसे नेता आए जो आपके लिए सचमुच ईमानदारी से काम करे। और अगर ऐसे नेता आते हैं, ऐसी सरकार आती है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर बेंगलुरु आज कर्नाटका का पूरा प्रदेश आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसकी वजह है कि एक जमाने में किसी ने सोचा होगा कि हाँ देखो यहाँ की मजबूतियां क्या है। मुझे याद है मैं 15-16 साल की थी, मुझे याद है जनार्दन जी आपको भी याद होगा, मेरे पिताजी कहते थे कि कर्नाटका में इंग्लिश भाषी लोग हैं, शिक्षा के संस्थान हैं पंडित नेहरू जी ने बनवाए, तो यहाँ पे अगर हम शिक्षा को मजबूत कर ले, तकनीकी शिक्षा, आईटी की शिक्षा, तो ये प्रदेश देश क्या पूरी दुनिया में अपने बच्चों युवाओं को भेज पाएगा कि अच्छी अच्छी नौकरियां करें। उसका नतीजा क्या हुआ, उस समय की जो सोच थी 1985 के समय की, मेरे पिताजी की सोच थी, उसने उस सोच ने नींव डाली और आज बेंगलुरु के, कर्नाटका के युवा और जिनकी तकनीकी शिक्षा मजबूत है, जिनकी आईटी में शिक्षा मजबूत है, दुनिया भर में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। तो अगर सरकार की नीयत सही होती है, नेता ईमानदार होता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये जो आदत डल गई है बीजेपी की नेताओं की कि उनको काम करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के समय आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे धर्म के बारे में या जाति के बारे में या फिर कभी आतंकवाद के बारे में या सुरक्षा के बारे में। मैं नहीं कहती कि ये मुद्दे नहीं है, सबके दिल के करीब है ये मुद्दे, लेकिन चुनाव के समय हमें जो वोट डालना चाहिए वो अपनी जरूरतों पर आधारित वोट डालना चाहिए। चुनाव के समय जनता को जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि पिछले 3.5 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है कर्नाटका में, तो कितने रोजगार बने। मैं बताती हूँ, रोजगार घटे हैं, बने नहीं है। कितने नए उद्योग बने, मैं बताती हूँ, छोटे से मीडियम और मीडियम जितने उद्योग है, जो छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटे व्यापार हैं लोगों के, इसमें से ज्यादातर काफी है, ऐसे हैं जो बंद हो चुके जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से। तो आपको पूछना है कि भाई महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, और अगर ये जवाब है कि पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं, तो ये गलत जवाब है। क्योंकि अगर पूरे विश्व में भी महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार आपको उस महंगाई से राहत दे सकती है। राजस्थान की सरकार आज ही हाल में प्रदेश में महंगाई के राहत कैंप चला रही है। इसका मतलब है कि ऐसी स्कीमें हो सकती हैं जिससे मेरी बहनों का कि फिर भी मदद हो जाए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो इनकी मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है। आज हर स्तर पर महंगाई की मार है, जैसे मैंने कहा, एक तरह का आतंक ही कहिए इसको। चाहे मछुआरे हो, चाहे किसान हो, हर चीज पे जीएसटी है, हर चीज को महंगा कर दिया है। जैसे मैंने कहा, पेट्रोल डीजल भी महंगा है, तो उससे पूरे जीवन पर असर पड़ रहा है। और जो 40% की इनकी सरकार चली, उसमें आपने देखा होगा कि चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन हो, स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन हो, सब परेशान रहे हैं। कर्नाटका के 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपयों में आपके लिए एम्स बन सकते थे, 100 से ज्यादा अस्पताल बन सकते थे, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। भ्रष्टाचार के बहुत सारे और असर भी होते हैं। जब भ्रष्टाचार एक सरकार के अंदर इस तरह से घुस जाता है, तो वह सरकार स्थिर भी नहीं रह सकती ठीक समय के लिए, और जो निर्णय, ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं, वो भी नहीं ले पाते। सब सोच रहे होते हैं कि कब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किस तरह से मैं भी लूटूं। तो इसलिए इस सरकार में मुख्यमंत्री भी बदले,
एक नहीं दो दो उससे ज्यादा भी मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे तो सरकार ना ठोस निर्णय ले रही है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि लूट लालच सच्चा सत्ता है सबके मन में सबके दिमाग में। और इन परिस्थितियों में जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की जरूरतें हैं, वो नकारी जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसे गुजारा करोगे? आपकी नंदिनी अच्छी चलती थी, उसको भी लूटने की कोशिश, गुजरात से अमूल को लाकर उसको मर्ज करने की कोशिश, खाली पद नौकरियां नहीं दी, पोस्ट के रेट फिक्स हैं, लोगों को घूस देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, महंगाई की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इन सब परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं कि नहीं? ये मुख्य सवाल है जो जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए चुनाव के समय, कि ये जो परिस्थितियां हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं, जिनका सामना करने के लिए किसी ओर से समर्थन नहीं मिल रहा है, आपको मदद नहीं मिल रही है, इनको आप बदलेंगे कैसे? देखिए, चुनाव का समय बदलाव लाने का समय होता है। जैसे मैंने कहा, अगर एक ऐसी सरकार आए जो सचमुच आपके लिए काम करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी कुछ गारंटीज हैं। हम इसको गारंटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने कुछ कहा या कोई वादा किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो ज्यादातर अगर आप हमारे प्रदेशों में देखें जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वो वादे पूरे किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 18 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए, यहां भी जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी तो किसानों के कर्ज माफ होना शुरू हुआ था। जब हमने कहा कि पुराने पेंशन की स्कीम लागू होगी, क्योंकि हमें पता चला कि जनता बहुत परेशान है, जो नई पेंशन की स्कीम है इससे लोग घबरा रहे हैं, जो कर्मचारी पूरे जीवन काम करते हैं सोच रहे हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पेंशन के पैसे कहाँ जाएंगे, अगर कहीं स्टॉक मार्केट गिर गई, कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो हमने समझा कि एक समस्या है और पुरानी पेंशन स्कीम हमने अपने प्रदेशों में लागू करनी शुरू की। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारी कुछ गारंटीज हैं, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन वादों को पूरा करना जानते हैं और वादों को पूरा करेंगे। आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार थी तो अन्न भाग्य, क्षीर धारे, पशु भाग्य, इंदिरा कैंटीन, इस तरह की सारी स्कीमें थी। आज हम गारंटी देते हैं कि जो 2.5 लाख सरकारी रोजगार है, पद है जो खाली है, उनको एक साल के अंदर अंदर हम भरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम गारंटी देते हैं कि हम 100% विकास लाएंगे, गृह ज्योति की एक योजना लाएंगे जिसमें 2200 यूनिट बिजली के सबको फ्री में मिलेंगे, गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी बहनें कितना संघर्ष कर रही हैं अपना घर अपने घर चलाने के लिए। तो एक गृह लक्ष्मी की योजना होगी जिससे हर गृहस्थ महिला को 2000 रुपए अपने अकाउंट में सीधे सरकार देगी। जो परिवार में जो सबसे मुख्य महिला है उसी के अकाउंट में जाएंगे। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेंगी। युवा निधि की योजना बना रहे हैं जिसमें जो युवा बेरोजगार है लेकिन ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको 3000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। जिनके पास डिप्लोमा है उन्हें 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा। नंदिनी को हम मजबूत करवाएंगे। मेरी बहनें, आपके लिए
बस पास कहीं भी जाने के लिए फ्री होगा। आंगनवाड़ी की बहनों के लिए आपका जो मानदेय है, जो बहुत समय से नहीं बढ़ाया गया है, उसे 15,000 रुपए तक बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी है उनके लिए 10,000 रुपए तक, जो आशा बहुएं हैं उनके लिए 8,000 रुपए तक। आप रिटायर होंगी पूरे जीवन आंगनवाड़ी में काम करके, तो जो मेन आंगनवाड़ी है उनके लिए 3 लाख रुपए और जो मिनी है उनके लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए जो आपसे लूटे गए हैं वो कृषि के आधुनिकरण के लिए एक फंड में डाले जाएंगे, जिससे किसानों को सुविधाएं मिलेंगी। टुल्लू भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव दिया जाएगा। रोजगार, निवेश, पर्यटन और शांतिपूर्ण तरक्की के लिए 2,500 करोड़ रुपए हर साल करावली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप ही के क्षेत्र के लिए रखा जाएगा। एक स्कीम हमने सोची है, स्टैंड विद मोगावीरा स्कीम, जिसमें मछुआरों के लिए 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का प्रबंध किया जाएगा। मछुआरा बहनों के लिए 1 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध किया जाएगा। जब आप फिशिंग बोट खरीदने के लिए निकलते हैं तो आपके लिए 25 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसी क्षेत्र में 3 लाख रोजगार हम बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के नौजवान जो शिक्षित हैं, काबिल हैं, वो बेरोजगार ना रहे। डीजल सब्सिडी को 25 रुपए लीटर तक बढ़ाया जाएगा। हर दिन 500 लीटर तक आप ले सकेंगे। श्री नारायण गुरु डेवलपमेंट बोर्ड को 1250 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा, जो आपकी सुविधा के लिए होगा। आईटी इंडस्ट्री, गारमेंट्स, इसका हब बनाया जाएगा। यहाँ हब माने यहाँ पे इनको मजबूत करेंगे, इनके लिए सारी सुविधाएं देंगे, ताकि यहाँ से देश और दुनिया में यहाँ से आपकी आप मशहूर हो पाए इन चीजों में। अलीकानट के किसान जो है उनकी सुविधा के लिए एक 50 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे छोटे जो बिजनेस है और कारोबार है और मीडियम जो बिजनेस है उनके लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। कर्नाटका को लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के उद्योग में सर्वप्रथम बनाने की कोशिशें होंगी। बीदर से चामराजनगर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा और टाउनशिप्स बनाए जाएंगे। और कई ऐसी विधानसभाओं में 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे स्टार्टअप फंड के लिए, ताकि अगर कोई नौजवान अपना स्टार्टअप खुद शुरू करना चाहे तो वहीं पर विधानसभा के स्तर पर उसकी सहायता हो पाए। बेंगलुरु में टूरिज्म और बिजनेस के लिए एक गोल्ड एंड डायमंड पार्क बनाना चाहते हैं हम, जैसे दुबई में है। 2 टियर की जो शहरें हैं, जैसे मैसूरू, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा और तमाम ऐसी जो कर्नाटका की शहरें हैं, उनको भी हम बेंगलुरु जैसे आईटी में मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं, और हमने अलग अलग प्रदेशों में जहां हमारी सरकारें हैं वो करके भी दिखाया है काम, और आज भी कर रहे हैं। तो अब आप ही पर निर्भर है कि आप आगे बढ़कर अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहते हैं। देखिए, हम आपको कुछ भी कह सकते हैं यहाँ खड़े होकर, वादे कर सकते हैं वो पूरे हो ना हो 5 साल में वापस आ जाएंगे, फिर से कुछ कह डालेंगे, ये हर पार्टी के नेता कर सकते हैं। आपको कैसे मालूम होगा कि ये प्रियंका कुछ सच बोल रही है
या ये भी दूसरों की तरह ऐसे ही बोल रही है जो भी मन में आए? आपको कैसे मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या करके दिखाना है या बीजेपी ने क्या किया है? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे तो आपको कभी नहीं मालूम होगा। आपने मेरी दादी जी का नाम लिया, कहा कि आप उनको देखना चाहते थे। और आप सभी अगर आज यहां आए हैं मुझे देखने, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात होगी कि एक समय में इंदिरा जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, तो ये किस आधार पर आपने निर्णय लिया या आपको पता चला या आपकी जानकारी है कि इंदिरा जी ने कुछ किया? क्योंकि आपका, जनता का, आपसे पहले जो पीढ़ियों है, पीढ़ियों का वो अनुभव रहा, उन्होंने देखा कि जब हमारी समस्या होती थी तो इंदिरा जी आती थी, हमारी बातें सुनती थी, समस्या को हल करने की कोशिश करती थी। कांग्रेस की सरकारों ने इतनी सारी स्कीमें दी, उस समय अन्न भाग्या में अगर हमें चावल मिलती थी तो खाने लायक थी, आज खाने लायक ही नहीं है। उस समय अगर इतने किलो थी तो आज कम मिल रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये आप ही के अनुभव की बातें हैं, ये कोई नेता आपको नहीं समझा सकता कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, पिछले 3.5 सालों में क्या तरक्की हुई कि नहीं हुई। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तरक्की हुई है, नहीं हुई है? क्या महंगाई बढ़ी है, क्या बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। तो ये आपका अनुभव है, आपका अनुभव यही रहा है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं, और जब जब मुश्किलें आई तो नेता नहीं आए आपकी मदद के लिए। जो बीजेपी के नेता है वो लालच और सत्ता और लूटने में इतने परेशान रहे, इतने व्यस्त रहे कि आपकी समस्याओं को पूछा नहीं। तो ये आप ही का अनुभव है, और जब तक आप जागरूक रहेंगे और आपकी जागरूकता आपके अनुभव को पहचानेगी और नेताओं की सच्चाई पहचानेगी और ये देखेगी कि भाई चुनाव के समय ये नेता तो आकर हमारी काम की बात कर गया, उसने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, ये स्कीम लाएंगे या शिक्षा के संस्थान बनाएंगे या इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, लेकिन वो जो नेता है वो आया, उसने धर्म की बातें कर ली, उसने आतंकवाद की बातें कर ली, लेकिन हमारी बात नहीं की। तो आप पहचानो, जब आप पहचानेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, और जब आप गलती नहीं करेंगे तभी आपका भविष्य मजबूत बनेगा, तभी आपके लिए एक ऐसी सरकार आएगी जो आपसे डरेगी, ऐसे नेता आएंगे जो पब्लिक से डरेंगे, जो पब्लिक का आदर करेंगे, जो समझेंगे कि अगर पब्लिक के लिए काम नहीं किया तो रास्ता ना पिए। तो ये आप ही को समझाना पड़ेगा, नेता की आदत को ठीक करना आपका काम है। अब मन बना लीजिए कि जो कर्नाटका में पिछले 3.5 सालों से हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, आपके साथ नुकसान आपने झेला है, मुश्किलों का सामना आपने किया है, ये लोग तो अपने महल बनाते रहे लेकिन आपका नुकसान हुआ। तो अब 10 तारीख को चुनाव आ रहा है, हमारे 2 उम्मीदवार आपके सामने हैं, खड़े हो जाइए। आदर कर रहे हैं आपका, पहचान रहे हैं कि आपके लिए काम करना, आपकी सेवा ही इनका धर्म है, इसीलिए इनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए। और कांग्रेस की एक ऐसी सरकार बनाइए अपने प्रदेश में जो कोई तोड़ नहीं पाए, मजबूत सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत से जिताइए, ताकि 5 सालों के लिए आपको एक ऐसी ठोस स्थिर सरकार मिले जिसे कोई हिला ना पाए, जो आपके लिए दिन रात एक करे, काम करना बंद नहीं करे जब तक कर्नाटका को अपनी शान वापस नहीं मिले। हमारे
हमारे पूरे देश को आपके प्रदेश पर गर्व है। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी कला, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी एक मिसाल है पूरे देश के लिए। सबको गर्व है कर्नाटका पे। तो हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपके प्रदेश में एक सही सरकार बने, जो आपका विकास करे, जो आपको दुनिया भर में आपकी पहचान को बनाए रखे। और मेरी पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख को जब आप सरकार, नई सरकार चुनेंगे, तो आप सही निर्णय लेंगे, कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे और अपने ही भविष्य को मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी ध्यान से मेरी बातें सुनी। एक बार मेरे साथ कहिए, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की जय हिंद। धन्यवाद। ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ